पेटेंट की वैधता है कितने साल? तो 20 ईयर्स होती है। किसका? पेटेंट की वैधता। सम्मेलन की कार्यवाही के रूप में दस्तावेज को माना जाता है किसको? तो प्राथमिक दस्तावेज। सम्मेलन की कार्यवाही के रूप में प्राथमिक दस्तावेजों को माना जाता है। शब्दकोश सूची के लिए नियम द्वारा तैयार किया गया किसने तैयार किया था? सी ए कटर ने। शब्दकोश सूची के लिए नियम द्वारा तैयार किया गया था। आरएसएस फीड के एक उपकरण है वेब 2.0। वेब 2.0 आरएसएस फीड के एक उपकरण है। वर्णात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक उचित स्रोत है विश्वकोश। विश्वकोश जो है वर्णात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक उचित स्रोत है। जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक बनता है, क्या बनता है? यह विषय बनता है। निम्नलिखित खोज इंजन में से एक विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी के लिए है साइरस। साइरस साइट जो होता है यह खोज इंजन जो है वैज्ञानिक जानकारी के लिए होता है। बाद बाकी गूगल, याहू या अल्टा विस्टा वगैरह जो है सब जनरल यूज के लिए होता है। किसी पुस्तक की वर्गांक संख्या क्या दर्शाती है? पुस्तक का विषय। निम्नलिखित में से प्रलेखन में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कौन है? हेनरी ला फाउंटेन। हेनरी ला फाउंटेन जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। फार्मिंगटन योजना के साथ जुड़ा हुआ है। पुस्तकालय सहयोग जो होता है यह फार्मिंगटन योजना के साथ जुड़ा होता है। भारत में यूनेस्को की मदद से मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी में स्थित है। कहाँ है यह? दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है। गपशप चिन्हित करते हैं। गपशप चिन्हित जो है ऑस्मेसिस के सिद्धांत, परासरण के सिद्धांत जो है गपशप को चिन्हित करते हैं। GUI के लिए खड़ा है ग्राफिक यूजर इंटरेक्शन। ग्राफिक यूजर इंटरेक्शन जो है GUI के लिए खड़ा होता है। सेल्फ सूची की सुविधा है। सेल्फ सूची की सुविधा जो होते हैं स्टॉक सत्यापन के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्टॉक सत्यापन के लिए। भारत में पेटेंट सूचना प्रणाली के कार्यालय में है। कहाँ है यह? नागपुर में। पेटेंट जो है यह एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को नई सेवा, नई तकनीक, प्रक्रिया, उत्पाद या डिजाइन की सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई उसकी नकल तैयार न कर सके। इसके मिलने के पश्चात अधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति या संस्था ही उस सेवा, नई तकनीक, प्रक्रिया, उत्पाद या डिजाइन को बना सकता है। अगर कोई अन्य संस्था या व्यक्ति उस उत्पाद को बनाती है या नकल तैयार करती है तो वह गैर कानूनी होगा। अगर किसी ने कॉपी कर ली है तो उसे इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा और पेटेंट धारक के शिकायत दर्ज करवा दी तो नकल करने वाले मुसीबत में पड़ सकता है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो नए आविष्कारों के व्यावसायिक दुरुपयोग से बचने के लिए पेटेंट किया जाता है और कोई भी पेटेंट जो है 20 वर्षों की अवधि के लिए ही होता है। कुछ चीज ऐसे होते हैं जिसको पेटेंट नहीं किया जा सकता है। यह 6 सामग्रियों पर पेटेंट नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं छोटी सी चीज, कोई छोटी सी खोज हुई है उस पर पेटेंट नहीं होगा। या लिटरली या ड्रामेटिक या म्यूजिकल या आर्टिस्ट वर्क जो होता है उसका पेटेंट नहीं होता है। ऐसा खोज जिस पर कानून के द्वारा रोक लगाई गई हो उसका भी पेटेंट नहीं होगा। या खेती या सिंचाई करने का नया तरीका हो उसका भी कोई पेटेंट नहीं होगा। परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई आविष्कार करता है तो उस पर पेटेंट नहीं होगा क्योंकि यह विश्व लेवल पर उस पर क्या है, रोक लगी हुई है। पेड़ पौधे और जंतुओं के लिए बनाई गई दवाइयां जो होती हैं
उसका भी पेटेंट नहीं होता है। तो भारत में यह पेटेंट सूचना प्रणाली जो है इसकी कार्यालय कहाँ है? नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नावली एक है। प्रश्नावली क्या है? एक डेटा संग्रह के लिए उपकरण होता है। क्या होता है? डेटा संग्रह के लिए उपकरण होता है। एक कर्मचारी के एक आवधिक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। पुनर्चर्या कार्यक्रम पाठ्यक्रम, पुनर्चर्या पाठ्यक्रम जो होता है एक कर्मचारी के एक आवधिक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। CCF के लिए खड़ा है, आम संचार स्वरूप जो होता है CCF के लिए खड़ा होता है। नियंत्रित समूह में प्रयुक्त शब्द है प्रायोगिक अनुसंधान। क्या होता है? प्रायोगिक अनुसंधान। सूचना पुनर्प्राप्ति में शोर की वजह से होती है, निरर्थक जानकारी मिलती है। पहले से इस्तेमाल किया गया अवधारणा अदृश्य कॉलेज के डेरेक 16 मूल कहलाता है। कौन हाइपर टेक्स्ट शब्द प्रतिपादित किया था? तो ये टेड नेल्सन ने हाइपर टेक्स्ट शब्द को प्रतिपादित किया था। ग्रेट परियोजना का एक उदाहरण है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इफला वर्ष में कार्यक्रम पब्लिकेशन के सार्वभौमिक उपलब्धि लिया, कब लिया था? 1972 में। प्रलेखन में अनुसंधान पर अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रणाली ISORID द्वारा स्थापित है यूनेस्को। ISBD और कैटालॉग कोड के बीच क्या संबंध होता है? तो कैटालॉग कोड ग्रंथ सूची विवरण में शामिल होंगे। पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है किसने कहा था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कहा था पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है। पत्रिका ज्ञान संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इसको के द्वारा। वेब 2.0 में टैंगिक कहा जाता है, क्या कहलाता है? वर्गीकरण। इनमें से एक ग्राफिक प्रतिनिधित्व नहीं है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है ग्राफिक प्रतिनिधित्व नहीं करता है। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित लाइब्रेरी साइंस के 5 कानून अनुसंधान किस प्रकार है? बुनियादी अनुसंधान है। थ्योरी X और थ्योरी Y द्वारा तैयार किए गए थे, किसके द्वारा? डगलस मरे मैकग्रेगर के द्वारा थ्योरी X और थ्योरी Y तैयार किया गया था। डेल्फी विधि क्या होता है? तो यह एक अनुसंधान का तरीका होता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष भारत सरकार भारत की है, कौन? डॉक्टर सैम पित्रोदा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो है स्थापना 13 जून 2005 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में किए थे। तो ये डॉक्टर सैम पित्रोदा जो है यह राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हुए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की संचालन परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है भी कहा। इसका गठन कब हुआ? 13 जून 2005 को। और फिर इसकी विघटित कब हो गई? जुलाई 2014 को जो है विघटित भी हो गई। NKC की संचालन परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, चेयरमैन सैम पित्रोदा दूरसंचार तकनीकी विशेषज्ञ के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय और सूचना गतिविधियों में कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाला पहला केंद्र है कौन सा है? इंस्टॉक। इंस्टॉक जो है भारत में पुस्तकालय और सूचना गतिविधियों में कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाला पहला केंद्र है।